हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस, आज पूरा जो छत है गंदगी फैला हुआ वो सब साफ करेंगे। और यहाँ पे मेरा बेटा खेल रहा है, जब घर पे रहता है ना तो समर वैकेशन चल रहा है। फिलहाल अभी खाना बनाने के लिए लग गई हूँ और आज खाने में बन रहा है भिंडी आलू और सीम की जो सब्ज़ी, और थोड़ा सा दाल बना लूँगी और फिर जाएंगे छत पे। छत तो आप लोगों को पता है कि छत पे काम हुआ है ना, वो टीन का जो सेट वगैरह था ना वो सब हुआ था, तो पूरा छत जो है ना गंदा गंदा हुआ पड़ा है। और एक पपीता नीचे खुद का ही पेड़ है पपीता का, तो पपीता का एक थोड़ा सा अला के पपीता और दाल बना लिया। तो देखिए, झाड़ू तो लगा लिया, थोड़ा बहुत मम्मी ने साफ किया था और कल मैं भी थोड़ा बहुत आई थी। फिलहाल झाड़ू तो लग चुका है इस साइड पे, और दूसरी तरफ और भी गंदगी है। यहाँ पे मम्मी ने बोला कि ये जो ग्रीन नेट है ना इसको लगा दो, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स है ना, इन लोगों को बहुत गर्मी में बहुत तकलीफ होता है ना। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत, मतलब छत पे टीन तो गर्म हो जाता है ना, फिर बर्ड्स लोगों को बहुत तकलीफ़ होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये लगा देती हूँ, मम्मी बोल रही है, और इसको ना अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा देती है। और फिर पूरा घर, ये जो घर नहीं है छत है, छत को अच्छी तरीके से साफ करेंगे गाइस, और झाड़ू वाड़ू लगा लेंगे। देखते हैं कितना काम होता है आज। फिर आज अगर नहीं होगा तो कल भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो पूरा गंदा गंदा है, ये जो बर्ड्स का जो रूम, इसको झाड़ू लगा लेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से धोने की मतलब इच्छा है, तो देखते हैं कितना काम होता है। तो गाइस, पता है बहुत अभी ना फिलहाल पता चल रहा है कि मतलब इंसान, जो कोई भी इंसान हो ना, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये कम हो गया था, मम्मी यहाँ पे देखिए ग्रीन नेट को बर्ड्स के ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया, क्योंकि इन लोगों को तकलीफ हो ना, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो हम इंसान तो अपने लिए कुछ तो कर सकते हैं, ये तो कुछ नहीं कर सकता ना, तो इन लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। तो गाइस, एक अच्छा इंसान वही होता है जो अपने मतलब एनिमल्स जो पेट हैं उन लोगों से भी प्यार करता है और अपने परिवार से भी प्यार करता है। तो फिलहाल गाइस, पता है जब हस्बैंड के डेथ के बाद मुझे तो मतलब पूरा पूरा जो रिलेटिव, पूरा जो दुनिया है ना, हर किसी को पहचान लिया, तो हर किसी के बारे में जान लिया कि कौन कैसा है। और फिलहाल वो जो नीचे जो मशीन था ना हस्बैंड का, वो प्लेट वाला जो प्लेट होता था, वो मशीन तो बेच दिया। तो वो बेचने के टाइम पे ना, वो घर का जो मतलब जो जहाँ पे दरवाज़ा लगता है ना, उसको तो खोल के फिलहाल मशीन को निकाला। तो ये दरवाज़ा ना लगाने के लिए कितने बंदे को बोला, कोई नहीं लगा रहे, पता है, क्योंकि सब लोग डरते, पता नहीं कौन सा चीज़ है कि सोचते कि ये लोग काम करवा के पैसा, हम लोग बोलते कि कितना पैसा लोगे, फिर भी ये लोग मतलब काम नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत ज़्यादा जो अमीर है ना, उनके जो उन लोगों के पीछे पीछे क्या कहते हैं उसको, पीछे पीछे भागते हैं। मैंने देखा है ये जो क्या बोलूँ, बोल बोल के ना एक महीना मुंह मतलब बोल बोल के मुंह में दर्द हो जाएगा, फिर भी ये लोग नहीं करेगा। ये लोग पता नहीं क्या सोचते कि ये लोग काम करवा के पैसा देगा या नहीं, क्योंकि इसका तो हस्बैंड का डेथ हो गया है। तो दुनिया में रिलेटिव कोई भी बंदा जो कोई भी बंदा है, सब लोग डर रहे कि ये लोग काम करवा के शायद पैसा देगा या नहीं। तो हम लोग वो पैसा लेके सामने पूछ रहे कि कितना पैसा लोगे कि काम करके दो, फिर भी लोग काम नहीं कर रहे। तो सोचिए गाइस, तो यही दुनिया है, पता है। तो हस्बैंड के डेथ के बाद तो सब कुछ तो पता चल गया, और छोटी मोटी कोई भी काम होता है ना, एक जैसे कपड़े लगाने की जो रस्सी है, तो वो ना लगाने में भी कभी कभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, इसको ना टाइट करके लगाना पड़ता है, तो उसको जितना भी जोर है ना, जोर देके इसको बांधना होता है। तो कभी कभी कोई कोई काम ना थोड़ा टफ हो जाता है। तो ऐसे तो करने की कोशिश करते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी कोई कोई काम बहुत ज़्यादा, जैसे वो अगर होते तो हस्बैंड होते तो बहुत आसान होता, बहुत कर देते थे कोई भी काम, जैसे ज़्यादा कोई काम करने नहीं देता उसे, जितना मतलब वो ही कर लेते थे,
मुझे और मम्मी को ज़्यादा काम करने नहीं देते, खुद ही कर लेते थे। जैसे झाड़ू पोछा ये सब तो ठीक है, ये सब कर लेते, लेकिन बड़ा बड़ा कोई भी काम हो ना तो वो कर लेते थे। और फिलहाल परेशानी तो अभी पता चल रहा है कि इंसान, और देखिए ये घर को झाड़ू लगा दिया, अभी धो देंगे तो धोने से ना थोड़ा बहुत धूल जो है ना ये सब ख़त्म होगा, नहीं तो नहीं धोएंगे तो बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ पे। और यही बात है कि इंसान तो इंसान, रिलेटिव बहुत, जैसे सब कोई तो पता चल गया ना कि कौन कैसा है। फिलहाल एक मतलब मुझे मैंने एक वीडियो देखा था, पता है यूट्यूब में ही देखा था, तो किसी ने बोला कि सचमुच कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है अपना कोई, सचमुच आज पता चल रहा है कि सचमुच अल्लाह के सिवा कोई अपना ही नहीं है। अगर अपना एक मतलब सबसे ज़्यादा अपना है तो वही अपना है। तो सचमुच फ़िलहाल अभी उन्होंने जो बोला था कि वीडियो में कि एकदम सेम टू सेम हमारे लाइफ से एकदम मतलब वो हो रहा है कि इंसान सब लोग फ़ायदे के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव वाले जो कोई भी, और हाँ हुआ भी तो ऐसे ही कि इतने दिन फ़ायदे के लिए ही बात करते थे, फ़ोन करते थे, आते थे, हालचाल पूछते थे। फ़िलहाल हस्बैंड के डेथ के बाद साल हो गया है, कोई नहीं बात करना चाहते, कोई फ़ोन नहीं करना चाहते, क्योंकि इंसान को ना मतलब उम्मीद और नहीं है ना कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा। जैसे उम्मीद लगा अच्छा था उस टाइम पे कि इन लोगों से बहुत कुछ मिलेगा, अल्लाह जाने पता नहीं क्या उन लोगों का ख्वाहिश है। तो यही बात है, तो हम कैसे अच्छे इंसान हुए जो हम एक इंसान के लिए बुरा सोच रखते हैं, इंसान के लिए मतलब गंदा सोच रखते हैं। इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान जैसे पता है हमारे जो एनिमल्स हैं ना, हम उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उन वो लोग तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, हम ही उनके लिए कुछ करते हैं, उसे तकलीफ होता है। तो पहले तो ये जो दिखिए ना, ये यहाँ पे ना रैबिट रहते थे, तो आप लोगों को अगर आपने पुराना वीडियो देखा तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुर्गी और रैबिट था, तो रैबिट तो बहुत सारा था। तो हम लोगों ने जब लाए थे ना तो दो रैबिट लाए थे, एक लड़का एक लड़की, तो उसमें से ना एक उसका बच्चा हुआ एक, तो बेटी, तो एक मतलब ये लोग ना जब बड़ा हो जाता है ना रैबिट, छोटे जब रहते तब कुछ नहीं कहते, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तब ना इन लोग अपने बच्चे से भी नफरत करते हैं, उसे मारते हैं। तो एक मतलब माँ और बेटी एक साथ नहीं था, बगल मतलब दोनों रूम में दोनों थे, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा लड़ाई हुआ ना कि क्या बताऊँ, कि माँ ने बेटी का कान जो है ना वो एकदम उसको पूरा काट लिया, और फिर खून सी खून, क्या बताऊँ, पूरा इतना ज़्यादा खून निकल रहा था कि खून बंद ही नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे उसको लेके घर पे आके उसको ना पता नहीं थोड़ा सा कहीं ये दे रहे हैं, कहीं वो दे रहे हैं, कॉफ़ी दे रहे हैं, हल्दी दे रहे हैं, तो ठंडा पानी क्या क्या दे के 3-3.5 घंटा गाइस उसके पीछे हमने, मेरी मम्मी दोनों मिलके उसको कोशिश कर रहे थे कि जिंदा रहे ना मरे, और उसका इतना ज़्यादा खून निकल रहा था। तो वो दिन ना मैं नहीं भूलूँगी। तो हम लोगों ने तो सोचा ही था कि वो नहीं रहेगा, मर जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा, अगर एक छोटा सा एनिमल है इसका इतना ज़्यादा खून निकलेगा तो कौन इंसान बचता है। तो ये भी एक एनिमल से इसका तो पता नहीं क्या होगा पूरी रात में। तो 3-3.5 घंटे के बाद हम लोगों ने छोड़ दिया ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। तो पता नहीं सुबह जब उठे ना तो देखा कि पूरा स्वस्थ हो गया, बहुत ही अच्छा, मतलब खा भी रही थी। तो तब अच्छा भी लगा, पता है कि हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश किया तो एक एनिमल बच गया। तो हम लोग अगर ऐसे हैं कि किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, किसी से प्यार नहीं करते हैं, तो किसी के बारे में हालचाल हम इंसान हो के इंसान के बारे में अगर ऐसा सोचे तो एनिमल के बारे में कौन सोचेगा। तो गाइस दुनिया ऐसी हो रही है, इंसान भी ऐसे हो रहे हैं। और फिलहाल अगर ऐसा दिन ना आता ना
तो हमें पता नहीं चलता कि सचमुच कि हमारे जो अगल बगल वाले रिलेटिव वाले ऐसे हैं, तो पता नहीं चलता। तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह हर किसी का असलियत दिखा देता है। और आज पता चला अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है कि जिसके साथ मतलब जो मेरे लिए अच्छा सोच सकते हैं और ये जो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। और कुछ भी बातें हो ना, कोई भी अच्छा बुरा कोई भी बातें हम लोग इंसान से शेयर करते हैं। फ़िलहाल आज के ज़माने में मुझे लगता है सिर्फ अल्लाह से शेयर करना ही बड़ी मतलब अच्छी बात है, क्योंकि इंसान होता है ना, यहाँ पे सुनता है दूसरी जगह पे जाके पूरा एकदम वो बातें बढ़ा चढ़ा के बोल के झगड़ा फसाद करते हैं, पता है गाइस। तो हमेशा बुराई चाहते हैं। और जो फील कर रही हूँ ना इस टाइम पे, वही एकदम कुछ अच्छा नहीं देख रही हूँ, हमेशा बुराई देख रही हूँ। तो ये ज़िंदगी बहुत ही मतलब अजीब, और ऐसे ही जीना पड़ेगा जब तक जिएंगे। इंसान को तो हम बदल नहीं सकते, जो जो अपने हिसाब से चलते हैं अपने लाइफ में, जो जैसा रहना चाहते हैं वो वैसा ही रहे, क्योंकि हम इतना तो मेरा औकात नहीं है मैं किसी इंसान को बदलूं, और वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई इंसान को अच्छा और बुरा कुछ भी मतलब जो मतलब हिदायत दे या ना दे, वो अल्लाह के हाथ में है गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पेड़ वगैरह मैंने सही कर लिया, झाड़ू वाड़ू लगा के, और फ़िलहाल आज छत नहीं धो पाएंगे। पूरा छत धोने में मुझे बहुत तकलीफ़ होगा, क्योंकि और टाइम नहीं है, यहाँ पे छत पे बहुत टाइम चला गया ये सब काम करते करते। आज का वीडियो